हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय भाई। आज हम आए हैं हैदराबाद के बंजारा हिल्स। तो हम यहाँ पे आए हैं चाय सुतबार देखने के, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। बहुत ही फेमस है ये, जबसे ये एक इंदौर बेस्ड फ्रेंचाइजी है, हैदराबाद में भी तीन चार जगह पे आया है। तो इसमें मैंने सुना है कि कॉफ़ी के बहुत सारे वैराइटीज़ है, और इनका तो जो कॉमन है कुल्हड़ का चाय, तो सब टेस्ट करेंगे आज। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बंजारा हिल्स के चाय सुतबार। अलग अलग फ्लेवर्स के चाय है, ये है चॉकलेट अदरक, फिर आपको है इधर केसर चाय मसाला और इलायची, और इसके साथ ही आपको एक बार का एक फीलिंग आता है इधर, जो आप दोस्तों के साथ अगर आपको बाहर जाने का मन नहीं है और आपको बार का फीलिंग चाहिए, तो आप इधर आकर एक बार जैसा फीलिंग में चाय पी सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट है यहाँ पे, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आके एक अच्छा टाइम ले सकते हैं आप इधर। तो अभी हम टेस्ट करेंगे एक के बाद एक अलग अलग फ्लेवर, फिर देखेंगे कैसा है। और ये जो भी नॉन अल्कोहलिक कॉफीज है, बीयर विस्की रम वोडका रेड वाइन ब्रांडी के कॉफीज, इसका फ्लेवर है आपको एकदम बहुत ही कम पैसे में 25 रुपीज़ का एक कप मिलेगा। तो सब कुछ ट्राई कर सकते हैं इधर, एक बहुत ही कम बजट में अच्छा सा पार्टी हो जाएगा फ्रेंड्स के साथ। इसकी एम्बियंस के हिसाब से बहुत ही इकोनॉमिक है ये, यहाँ पे चॉकलेट चाय अदरक चाय रोज़ केसर मतलब 15 रुपये से शुरू है और मैक्सिमम 20 रुपये के चाय है इधर। तो कॉफ़ी भी 15 रुपये से चालू होकर ब्लैक कॉफ़ी 30 रुपये का है, तो बहुत ही सस्ता है ये। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल है, और आपको बहुत ही अच्छी जगह मिलेगा बैठ के बातें करने के लिए दोस्तों के साथ। और ये क्या है, बीयर कॉफ़ी विस्की रम वोडका, ये तो एग्जैक्टली बार का मेन्यू जैसा लग रहा है, बट इसमें शायद नॉन अल्कोहलिक कॉफ़ी है, सब फ्लेवर है, तो आपको इसके साथ फ्लेवर के साथ मिलेगा। आप इधर आए इससे पहले, आप तीन चार बार आए हो, बहुत अच्छी है, चॉकलेट जगह भी अच्छी है ना, बैठने कम्फर्टेबल है, पोल्यूशन भी नहीं आता। ये जो बाहर भी मिलते हैं अदरक के सब, तो इससे आपको कैसे डिफरेंट है? हम लोग वो पीस कर पेस्ट में डालते हैं, पेस्ट से डालते हैं, डायरेक्ट पेस्ट डालते हैं, उसके बाद उसमें मशीन में गर्म करके फिर छान के देते हैं। ओके, तो इनका जो पेस्ट खुद से बनाते हैं और पेस्ट से चाय बनाते हैं। और आपका इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला चाय कौन सा है? इसमें ओनली चॉकलेट और अदरक अभी ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, और कॉफ़ी में? कॉफ़ी में स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और विस्की भी है, चॉकलेट कॉफ़ी। तो ये बार वाला मेन्यू जो है बियर विस्की, ये सब का कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। रेड वाइन फ्लेवर जिसको कॉफ़ी में मिलाएंगे, और अगर आपको सारे कॉफ़ी के फ्लेवर्स और चाय के फ्लेवर्स टेस्ट करने हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका इतना भीड़ है कि इनके पास जो सप्लाईज है जल्दी से ख़त्म होने के बहुत चांसेस है। आ गए हमारी चॉकलेट चाय और एक केसर चाय, तो इसमें केसर का फ्लेवर है, एक एसेंस है ये केसर का उसमें, तो हम दोनों टेस्ट करेंगे एक के बाद एक। तो पहले अभी चॉकलेट चाय टेस्ट करूँगा मैं, तो
हाँ, तो कुल्लत में जो चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो चॉकलेट चाय है, मुझे लग रहा था कि डार्क चॉकलेट या हॉट चॉकलेट जैसा गाढ़ा सा ड्रिंक होगा जिसमें चॉकलेट ज़्यादा डोमिनेट करेगा, लेकिन बिल्कुल ही हल्का सा फ्लेवर है चॉकलेट का इसमें। कैसे लग सकता है जैसे कि अपने चाय बन गया है और चाय में थोड़ा चॉकलेट मिला है, ये ऐसा है, मतलब बहुत हल्का चॉकलेट फ्लेवर है, आपको चाय का ही फीलिंग आएगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कोई डार्क चॉकलेट या फिर हॉट चॉकलेट पी रहे हो, तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिए चॉकलेट चाय। और अब मैं टेस्ट करूँगा सैफ्रन केसर चाय। तो मैंने केसर चाय का और एक वीडियो बनाया है जिसमें नेचुरल केसर लगता है, इसमें केसर का एसेंस है। तो भैया ने चाय बनाया फिर केसर के एसेंस का मिक्स किया है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये टेस्ट करने। हाँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एसेंस है केसर का, बहुत अच्छा घुल मिल गया है चाय, जैसे कि कोई रोज़ और केसर मिला है जैसा। तो बाकी की जो वैराइटीज़ है पान रोज़ चाय, तो मुझे लगता है ये सब भी एसेंस के साथ ही है। आपका रेगुलर चाय में थोड़ा सा डिफरेंट, तो आप हर रोज़ एक केसर अगर जो पास में रहते हैं हर रोज़ एक नया एसेंस ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल है, 15 रुपये पर कप, ट्राई करके ज़रूर हमें बताइएगा आपको कैसे लगे ये फ्लेवर। और हैदराबाद में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस हैं चाय सुधाबार के, फ्रेंचाइजी है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप नए नए फ्लेवर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसे लगा है ये, और कमेंट कीजिए आपका फेवरेट। तो अगली बार आऊँगा तो आपका फेवरेट ट्राई करूँगा इधर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो मुझे इससे पहले कि दोनों फ्लेवर केसर और चॉकलेट अच्छे लगे तो मैंने इलायची चाय ऑर्डर दिया है। वैसे तो मैंने इलायची चाय इलायची में टेस्ट किया है और बाकी जगह, तो मुझे देखना है कि ये कंपेरेटिवली कैसा है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही हल्का है, मतलब 50 रुपीस। गुड गुड फ्लेवर, 15 रुपीज़ के प्राइस टैग पे ये बहुत ही इकोनॉमिकल है और बहुत ज़बरदस्त है। तो 5 स्टार फॉर दिस टी, ज़रूर पी सकते हैं। మన యూఎస్ కి సజెస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అదే నోటీస్ చేసిన అంబియన్స్ బయట నుంచి చూసి కంపల్సరీ మినిమం ఒక 30-40 రూపీస్ పెడతారు, ఎందుకంటే నా వేరే వీడియోస్ చూస్తే 60-70 రూపీస్ నుంచి చాయ్ స్టార్ట్ ఉన్నాయి, నేనే రండి ఇక్కడ రాగానే చెప్పలేకపోతే. సో ఇవైతే కొద్దిగా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాయి, ఇంకా ఫ్లేవర్ టీ రాగారా మీరు? ఓకే ఓకే. సో మనకి ఒకవేళ తిన్న కాఫీ తాగినాక ఇంకా ఆకలి అవుతుంది, ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చోవాలి, ఇంకో పార్టీ బిల్ పెంచాలి అంటే తినడానికి కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో బర్గర్ బైట్స్ అని తినచ్చు, మ్యాగీ కూడా ఉన్నారు, ఇంట్లో చేసుకునే మ్యాగీ కూడా రెగ్యులర్గా అందరికి బాగా నచ్చే మ్యాగీ కూడా ఉంది ఇక్కడ. సో మ్యాగీలో కూడా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ కూడా పెట్టినాడు. సో మ్యాగీ ఓవరాల్గా ఒక ఈవినింగ్ స్నాక్కి మంచి ప్లేస్ ఇది. तो दोस्तों मैंने तो आज बार में बहुत पी रखा है, तो आप भी जरूर बार जाइए और अलग अलग फ्लेवर के चाय और कॉफी पीजिए। बस चाय और कॉफी के लिए ही जाना बार, चाय सुट्टा बार। हैदराबाद में 3 आउटलेट्स है, एक दिलशुक नगर में और एक बंजारा हिल्स में और एक निजामपेट में। आपके शहर में चाय सुट्टा बार के कौन से फ्लेवर आपको पसंद है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कॉफ़ी मैंने इस बार ट्राई नहीं किया है, अगली बार जब जाऊंगा तो कॉफ़ी के फ्लेवर्स ट्राई करके आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए चाय भाई।